प्रथम तहलका न्यूज। आज यानी सोमवार को चंडीगढ़ में हरियाणा विधानसभा में कोरोना से बचाव के लिए शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया था, जिसमें विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने विधानसभा के सभी कर्मचारियों और अधिकारियों को कोरोना से बचने के लिए जरूरी एहतियात बरतने की शपथ दिलाई। इस मौके पर विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि पूरी दुनिया में कोरोना वायरस का खौफ है, जिससे एहतियात बरतने के चलते ये शपथ ग्रहण करवाया गया है, क्योंकि कोरोना महामारी के चलते पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था ठप सी हो गई है। आज जिस प्रकार से पूरे भारत में ही नहीं पूरे विश्व में कोरोना जैसी वैश्विक बीमारी ने पूरे देश को अपनी जकड़ में ले रखा है, और जिसके कारण बहुत सारे हमारे भारतवासी और पूरे विश्व के अंदर लगभग 11 लाख लोग इस बीमारी का शिकार हो चुके हैं। इस बीमारी को रोकने के लिए ये आवश्यक है कि हम सब जो MHA की गाइडलाइंस हैं या जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो शपथ दिलाई कि हम सब उन नियमों का पालन करते हुए, जिसमें सबसे आवश्यक है कि सार्वजनिक स्थलों के ऊपर मास्क पहन करके निकलें, 2 गज की दूरी बना करके रखें, हर रोज़ हमेशा बार बार अपने हाथ साबुन से बार बार धोएं, और जो सैनिटाइजेशन है बार बार सैनिटाइजेशन करते हुए हम इस बीमारी को रोकने में सफल होंगे, ये मुझे पूरी आशा है। लेकिन हम सबको इन नियमों का पालन करना आवश्यक है। आज इसी को लेकर हरियाणा विधानसभा के सभी कर्मचारियों को, अधिकारियों को ये कोरोना को भगाने के लिए जो नियम पालन करने की आज शपथ दिलाई गई है, मुझे पूरी आशा है कि सभी अधिकारी और कर्मचारी इन नियमों का अवश्य पालन करें। 5 नवंबर से पुनः कार्रवाई जो है वो शुरू हो रही है विधानसभा सेशन की, तो वहाँ भी क्या पूरी तैयारी है सर, जो COVID-19 की हिदायतें होंगी? बिल्कुल, देखिए आने वाले विधानसभा सत्र के अंदर जो 5 नवंबर को शुरू होने जा रहा है, हमने सभी अपने अधिकारियों को, कर्मचारियों को ये हिदायतें दी हैं, और सभी विधायकों को भी हमने कहा है कि वो कोविड का ख्याल रखते हुए सभी जो आवश्यक नियम हैं उनका पालन करें, और अपना अपना वो एंटीजन टेस्ट करा करके भी आएं, ताकि इस कोरोना के ऊपर संक्रमण के ऊपर रोक लगाई जा सके। आपको बता दें कि अगले नवंबर महीने की 5 तारीख से विधानसभा का मॉनसून सत्र का दूसरा चरण दोबारा से शुरू होने जा रहा है। कोरोना की गाइडलाइन को फॉलो करते हुए ये दूसरे चरण की शुरुआत होगी। इसी के तहत चंडीगढ़ हरियाणा विधानसभा में कर्मचारियों और अधिकारियों को कोरोना से बचने के लिए जरूरी एहतियात बरतने की शपथ दिलाई गई। प्रथम तहलका के लिए चंडीगढ़ से ब्यूरो रिपोर्ट।